हर हर महादेव। वृंदावन से ही एक पंडित जी हैं, उन्होंने प्रश्न किया हुआ है, क्या सधवा स्त्रियां जो है कुश का प्रयोग कर सकती हैं? तो देखिए, सधवा यानी सौभाग्यवती महिलाओं को क्या क्या नहीं करना चाहिए, कुछ निषेधों का यहाँ जो है विधान किया जाएगा। देखो, सौभाग्यवती महिलाओं को कुशा के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। सौभाग्यवती महिलाओं को कुश का पवित्रक ये धारण नहीं करना चाहिए। कुशा से कोई भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, तर्पण आदि कुश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तिल, और वो भी खास रूप से काले तिलों का जो है परिवर्जन करना चाहिए। यहाँ तक लिखा शास्त्रों में उनका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, अकारण काले तिलों को छुए नहीं। मुख्य रूप से वहाँ बात यही है कि श्राद्ध इत्यादि किसी व्यक्ति का करने का सधवा स्त्री को कोई भी अधिकार नहीं है। वो अपने पति का कर सकती है स्त्री, लेकिन पति का श्राद्ध करेगी तो पति नहीं रहेगा, विधवा हो जाएगी, तब वो कर सकती है। समझ रहे ना? सामान्य रूप से सधवा स्त्री के लिए तिल का प्रयोग और कुश का प्रयोग करना परिवर्जित किया गया है। ब्राह्मण सर्वस्व ग्रंथ में मना किया गया है। न स्पृशे तिल दर्भांश्च सधवा तु कथंचन। सधवा स्त्री न स्पृशे, स्पर्श ही नहीं करे किसका? तिल दर्भांश्च, तिल और दर्भ का इनका प्रयोग। तो तिल से संबंधित जो भी कार्य होते हैं श्राद्ध संबंधी, वो नहीं करना है कहने का तात्पर्य। और कोई भी पूजा पाठ में पवित्री इत्यादि धारण करना, तर्पण के लिए जो है कुशा लेना, और ये जो है कुशा के आसन पर बैठना, ये सब सधवा स्त्री के लिए परिवर्जित है। एक बात और बताएं, आजकल बड़ा जो है चलता है कि वो हीरे की अंगूठी पहनती हैं महिलाएं, जिसको हीरा डायमंड के जो है आभूषणों को पहनना, और हीरे के कर्णफूल इत्यादि जो भी कई आभूषण होते हैं, वो हीरे के बने हुए, डायमंड के बने हुए आभूषणों को पहनने का आजकल बड़ा शौक चल रहा है महिलाओं का। परंतु शास्त्र में निषिद्ध है, ध्यान देना बहनों। बहनों के लिए, कौन सी बहनों के लिए? जिनके कोई ना कोई पुत्र हो गया है, तो पुत्रवती माताओं को हीरे से जड़े हुए कोई भी आभूषण धारण नहीं करना चाहिए। ये जो हीरे को वज्र कहते हैं संस्कृत में, हीरे को वज्र कहते हैं, तो ये बात भी वज्रपात के समान है महिलाओं के लिए। क्योंकि कोई बात जो है उनके मन के विपरीत कहना, माना कि वज्रपात करना है, तो हम तो अपने ऊपर एक तरीके का वज्राघात झेलने के लिए ये जो है तैयार होकर के कहना पड़ रहा है हमको, वज्राघात कहीं ना कहीं से होगा हमारे ऊपर। तो खैर, आप लोग माताएं जो है कृपा करें, ये लिखा हुआ है तंत्र शास्त्रों में, हमारे पूज्य गुरुदेव जो है कहते हैं इस वचन को बहुत। न धारये पुत्र कामा नारी वज्रम कदाचन। तो जो पुत्र कामा स्त्रियां हैं, खास रूप से पुत्रवती और पुत्र की कामना करने वाली, कि हमारे पुत्र हो जाए, तो पुत्र की कामना करने वाली कोई भी सौभाग्यवती महिला को जो है हीरे से जड़े हुए आभूषण नहीं धारण करना चाहिए। न धारये पुत्र कामा नारी वज्रम कदाचन। वज्र उसी का नाम है, हीरे का। तो कभी भी पुत्र को चाहने वाली स्त्री के लिए ये नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से बात ये समझिए, यदि किसी के पुत्र हो गया और बहुत बड़े पुत्र हैं, और उनके जो है कई पुत्र हैं, तो वो लोग धारण कर सकते हैं, इससे ऐसा वचन से लगता है। तो और जो
कन्याएं हैं वे भी पहन सकती हैं, लेकिन नवविवाहिता जिनका विवाह हुआ है, जिनके अभी प्रजा की उत्पत्ति नहीं हुई है अर्थात कोई संतान नहीं हुई है, खास रूप से पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई है, या वे पुत्र चाहती हैं और भी पुत्र चाहते हैं, एक हो गया है और भी पुत्र की कामना है, तो पुत्र की कामना करने वाली सधवा स्त्री को कभी भी हीरे से जड़े हुए आभूषणों को धारण नहीं करना चाहिए। अब नहीं है तो जो है वो रखे रही है, जब आपका जो कुछ बन जाए, उम्र हो जाए और पुत्र हो जाए तो तब पहन सकती है। जो कहती है महिलाएं भाई अब हम इसका क्या करेंगे, तो ये रखे रहा और नहीं है तो किसी को दान कर दीजिएगा, जिसको है तो अपनी सासू को दे दीजिएगा, नहीं तो उनको तो सब हो गया, आप भी आ गई उनके यहाँ तो वो पहन सकती हैं। हर हर महादेव।